पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी घोटाले की मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने बैंक के अधिकारियों पर निशाना साधा है। करीब 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले मोदी ने पीएनबी को एक खत लिखा है जहां उसने धमकी दी है कि मामले को सार्वजनिक कर बैंक ने उससे बकाया वसूलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को ये खत 16 फरवरी को लिखा था। मोदी के मुताबिक उनकी कंपनी के कर्ज को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बैंकों का बकाया सिर्फ 5,000 करोड़ का है, ना कि 11,300 करोड़ का। नीरव मोदी ने लिखा है कि 13 फरवरी को मैंने बैंक को सेटलमेंट के लिए पेशकश की थी, लेकिन बैंक ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बैंक से कहा था कि या तो वो मेरी प्रॉपर्टी बेच दे या फिर मुझे उसे बेचने के लिए वक्त दे, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। हमारी कंपनी के 5,600 करोड़ की प्रॉपर्टी सील होने के बाद बैंक के सारे कर्ज खत्म हो सकते थे, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। नीरव मोदी ने कहा कि बैंक के अब तक के एक्शन से मेरे ब्रांड और बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बैंक ने मामले को सार्वजनिक कर मुझसे बकाया वसूलने के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। नीरव मोदी ने कहा कि मेरे भाई को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, मेरी किसी भी कंपनी में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी और मेरे चाचा पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि गलत है। मैं चाहता हूं कि बैंक मुझे मेरे करंट अकाउंट में जितने भी पैसे बचे हैं उससे मेरे 2200 कर्मचारियों को सैलरी देने की परमिशन दे। तो दोस्तों, इस तरह से यह पत्र, यह लेटर नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 16 फरवरी को लिखा था। इस लेटर से हमको एक बात समझ में आ रही है कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को शायद अब कोई भी पैसे वापस करने की नीयत नहीं रख रहा है। अगर वो चाहता तो पंजाब नेशनल बैंक के सारे पैसे वापस कर सकता था। इस तरह से हजारों करोड़ रुपए उसने, अरबों रुपए उसने बैंक से उधार लिए और अब उन पैसों को वापस करने में वो टालमटोल कर रहा है। तो दोस्तों, ये था वो लेटर जो नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को लिखा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।